हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए घेवर रेसिपी, जो कि राजस्थान की फेमस डिश है। और आप देख सकते हो जो ये घेवर है ये बहुत ज़्यादा जालीदार बने हैं। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रबड़ी बनानी है। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर जितना दूध लिया है, जिसे कि अभी हमें उबालना है और उसको गाढ़ा करना है। हमें इसकी रबड़ी बनानी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी दूध को उबाल आ चुका है। तो अभी हम लोग इसको लो फ्लेम पे ही पकाते हुए इसको गाढ़ा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी इसके अंदर 2 चम्मच जितनी चीनी डाली है, तो वो शायद वीडियो मेरे से शूट करने का रह गया था। तो इसके अंदर हमें 1/2 लीटर के लिए 2 चम्मच जितनी ही चीनी ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी हमारी जो रबड़ी है वो बनकर रेडी है। हमें इसको ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, क्योंकि जब ये रबड़ी ठंडी हो जाएगी तब ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको साइड में रख देंगे। और अभी हम लोग बनाएंगे घेवर के लिए चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना पानी लिया है और उसके अंदर 1 कप जितनी हम लोग चीनी डालेंगे। और अभी हम लोग चीनी को भी पिघला कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो अभी चीनी में उबाल आ चुका है। तो अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर नींबू का जूस, यानी कि नींबू का रस। तो चाशनी के अंदर नींबू का रस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, जो चाशनी है वो जमती नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी चाशनी थोड़ी सी उबल चुकी है। तो अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर इलायची। तो मैंने यहाँ पे 2 इलायची को बारीक कूट कर लिया है और अभी मैंने उसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर पकाने के बाद में हम लोग एक बार इसको देख लेंगे। तो अभी तक चीनी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है। तो अभी मैं उसको 2-3 मिनट बाद चेक कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर हल्का सा तार आ रहा है। तो हमें इसी कंसिस्टेंसी की चाशनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बनाएंगे घेवर। तो जिसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने मिक्सी का जार लिया है और जिसके अंदर हम लोग डालेंगे 4 चम्मच जितना घी। जो नॉर्मल चम्मच होता है जिससे कि हम लोग नाश्ता करते हैं, उसी चम्मच से हमें इसके अंदर 4 चम्मच जितना घी ऐड करना है। आप चाहो तो इसी प्रोसेस को हाथ से भी कर सकते हो, पर अभी भागदौड़ की ज़िंदगी में हर कोई सारे काम जल्दबाजी में करना चाहता है, इसीलिए हम लोग घंटों का काम मिनटों में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर डालने हैं आइस क्यूब्स। तो आप लोग देख सकते हैं ये मीडियम साइज़ के आइस क्यूब हैं, जो कि मैं इसके अंदर 5 से 6 डाल रही हूँ। और अभी हम लोगों को इसको ग्राइंड कर लेना है। तो अभी मैंने इसको ग्राइंड कर ले लिया है और आप लोग देख सकते हो जो हमारा घी था, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, अभी वो एकदम से हार्ड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर 1 कप जितना दूध। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके दूध इसके अंदर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसको फिर से चला कर लेंगे और आप लोग देख सकते हो ये किस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। लग रहा है ना एकदम जैसे कि हम लोग मलाई से घी निकालते हैं, उसी कंसिस्टेंसी का ये दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो बाकी का बचा हुआ दूध है वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको फिर से चला कर लेंगे। तो बाकी का बचा हुआ दूध डालने के बाद में मैंने इसको एक बार चला कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर मैदा। तो मैंने यहाँ पे 1 कप जितना मैदा लिया है। अगर आप लोग इसको ग्राम में देखो तो ये 125 ग्राम या फिर 130 ग्राम जितना आएगा। तो ये कप मेरा 240 ml का है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा कर हम लोग इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे और इसको चर्न कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है, जो इसके साइड में जो घी और जो बैटर लगा है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा कर निकाल कर लेंगे किसी चम्मच से। और अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर ठंडा पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज का पानी लिया है। तो याद रखिए, हमें इसके अंदर ठंडा पानी का ही इस्तेमाल करना है। और अभी हम इसके अंदर फिर से 2 से 3 चम्मच जितना मैदा ऐड करेंगे और इसे फिर से चला कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी ये जो बैटर है वो बहुत स्मूथ सा बनकर रेडी है। अभी इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है। और अभी हमें क्या करना है, जो बाकी का बचा हुआ मैदा है वो भी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और उसको एक बार चला कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जो बैटर है मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा है। तो पानी डालने के बाद मैं हम लोग इसको फिर से चला कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर बेसन। 1 टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। और अभी फिर से हम लोग इसको एक बार चलाएंगे।
पर फ्रेंड्स अभी हमें डालना है इसके अंदर नींबू का रस। तो फ्रेंड्स ये पूरे जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ ये पूरे हलवाई के सीक्रेट्स है, जो वो लोग घेवर बनाते वक्त इसका इस्तेमाल करता है उसी की वजह से उनका जो घेवर है वो बहुत ज़्यादा जालीदार बनता है। तो फ्रेंड्स अभी नींबू का रस डालने के बाद मैंने इसको एक बार मिक्स कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकालेंगे। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे एक प्लेट में कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं और उसके ऊपर हम लोग बाउल रखेंगे ताकि जो बाउल है वो चिल्ड बना रहे, क्योंकि घेवर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और तब तक ये जो बैटर है ये ठंडा बना रहे, इसीलिए हम लोग बाउल के नीचे बर्फ के क्यूब्स रख देते हैं। तो अभी हमें घेवर बनाने हैं तो जिसके लिए मैंने गैस के ऊपर एक भगोने में ऑयल रखा है। तो फ्रेंड्स आप लोग घेवर किसी भी पतीले में या फिर किसी भी कढ़ाई के अंदर बना सकते हो, पर बस शेप एक जैसा है इसीलिए मैंने यहाँ पर एक भगोना लिया है जिसके की जो किनारे है वो बाहर की तरफ है। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग इसके अंदर बैटर डालेंगे। बैटर डालने के बाद में क्या होता है कि इसके अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा झाग आना स्टार्ट होता है, और जैसे ही ये झाग आना शांत हो जाएगा वैसे ही हम लोग इसके अंदर फिर से बैटर डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर घेवर बनाने के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर वनस्पति जो घी आता है यानी कि डालडा घी, उसका भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। पर मैं आज ये घेवर ऑयल में बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ पे घेवर बनाएंगे। बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, हमें बस बैटर को थोड़ा थोड़ा ही इसके अंदर ऐड करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा बैटर हमें इसके अंदर नहीं डालना है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा कर बैटर इसके अंदर डालेंगे और जैसे ही झाग शांत हो जाएगा वैसे ही हम इसके अंदर फिर से बैटर डालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो अभी जो हमारा घेवर है वो लगभग बनकर रेडी ही है। तो फ्रेंड्स घेवर घर पर बनाना इतना ज़्यादा कोई मुश्किल का काम नहीं है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और ये घेवर झटपट से बनकर रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स बाहर से अगर हम लोग मार्केट से घेवर घर पर लेके आए तो वो 100 रुपये या फिर 125 रुपये का एक बनता है, पर जब हम लोग कुछ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ में ही इसको बहुत कम खर्चे में घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बैटर बनाकर दिखाया है इसके अंदर 7 घेवर आसानी से बन जाते हैं, वो भी एकदम मीडियम साइज़ के। तो फ्रेंड्स अभी हमारा घेवर बनकर रेडी है तो अभी हम क्या करेंगे, इसको चाकू की सहायता से थोड़ा सा छुड़ा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ऑयल के अंदर प्रेस करेंगे ताकि जो इसके ऊपर की साइड है वो भी सिक जाए, और अभी हम लोग इसको निकाल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा घेवर है वो कितना ज़्यादा जालीदार बना है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको एक छन्नी के ऊपर निकालेंगे जिससे कि इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो निकल जाए, और इसी तरह से हम लोग दूसरा घेवर भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो मैंने अभी एक कटोरी ली है और जिससे कि मैं ये बैटर ऑयल के अंदर डाल रही हूँ, और सेम प्रोसेस से हमें इस घेवर को बनाना है। तो फ्रेंड्स बस इसी चीज़ का ध्यान रखिए कि जो हमारा बैटर है वो बहुत ज़्यादा चिल्ड रहना चाहिए, वरना जो घेवर है उसकी जाली ठीक तरह से नहीं आएगी। और अभी हम थोड़ा थोड़ा कर बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे, और जैसे ही इसका जो झाग है वो शांत हो जाएगा तब हम लोग इसके अंदर फिर से बैटर ऐड करेंगे। तो फिर से झाग आएगा, फिर से झाग शांत होने के बाद में हम लोग फिर से इसके अंदर बैटर ऐड करेंगे, और यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हम लोग ये घेवर बनाकर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम में किसी को भी घेवर ठीक से बनाने में नहीं आता है, पर आप जब एक दो घेवर बनाकर देखोगे तो तीसरी बार में आपको ज़रूर से ये घेवर ठीक तरह से आ जाएगा। वैसे घेवर बनाना इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस घेवर बनाते वक्त थोड़ा सा संभल कर बनाइए, क्योंकि ये ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उसके अंदर जब हम लोग एकदम चिल्ड ये बैटर डालते हैं तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऑयल उछलता है। तो बस हाथ वाथ जलाकर मत लीजिए। अभी हम लोगों ने ये भी घेवर बनाकर रेडी कर लिया है तो अभी हम लोग इसको निकाल कर लेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर की साइड से कच्चा लग रहा है इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी साइड को थोड़ा सा निकालेंगे और इसको ऑयल के अंदर थोड़ा सा डीप करेंगे, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ अभी ये घेवर सीख चुका है तभी हम लोग इसको निकाल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग कि जो हमारा घेवर है वो बहुत ज़्यादा जालीदार बना है। तो फ्रेंड्स इससे बैटर से हमारे 7 घेवर बनकर रेडी है, वो भी एकदम मार्केट जैसे, और आप लोग देख सकते हो
जो सारे घेवर हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको रबड़ी घेवर बनाकर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर डालनी है चाशनी जो कि हम लोगों ने पहले ही बनाकर रखी थी। तो याद रखिए जो चाशनी है वो ठंडी ही होनी चाहिए। हम लोग चाशनी को पूरे घेवर पर डाल देंगे और चाशनी डालने के बाद में अभी हम लोग डालेंगे इसके ऊपर रबड़ी। तो फ्रेंड्स आप लोग रबड़ी की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, हमें ठीक इसी तरह से रबड़ी बनानी है, वरना ऐसा मत कर दीजिए कि रबड़ी इतनी पतली हो जाए कि वो घेवर से नीचे चली जाए। तो फ्रेंड्स मैंने अभी सारे घेवर में रबड़ी लगा कर ले ली है, तो अभी हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे काजू बादाम और पिस्ता लिया है, आप अपने हिसाब से इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो जो घेवर है वो कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और इसकी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी आती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक जो नॉर्मल घेवर रहता है चाशनी वाला वो भी बनाकर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अभी यहाँ पर दूसरा एक घेवर लिया है जिसके ऊपर की हम लोग चाशनी डालेंगे। फ्रेंड्स ये घेवर भी खाने में उतना ही टेस्टी लगता है जितना कि मलाई घेवर लगता है। और चाशनी डालने के बाद में हम लोग इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। और फ्रेंड्स हमारा चाशनी घेवर बनकर रेडी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।